IPL 2019 मुंबई इंडियंस ने रखी युवराज की लांच। नीलामी के बाद ऐसी है तीन बार की चैंपियन हिटमैन की सेना। IPL के 12वें सीजन की नीलामी समाप्त हो चुकी है। फ्रेंचाइजी ने खिलाड़ियों पर जमकर पैसे लुटाए। सभी फ्रेंचाइजियों ने अपने अपने रणनीति के मुताबिक खिलाड़ियों पर दावा लगाए और उन्हें अपने पक्ष में किया। ऐसे में तीन बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने IPL 2019 के लिए हुए खिलाड़ियों की नीलामी में 6 खिलाड़ियों पर दाव लगाया। रोहित शर्मा की अगुवाई में मुंबई इंडियंस ने तीन बार IPL की खिताब पर कब्जा किया है। सबसे बड़ी बात इस बार की नीलामी में यह देखने को मिली कि किंग्स इलेवन पंजाब से बाहर किए गए युवराज सिंह पर भरोसा जताया है। सभी फ्रेंचाइजी से नकारे गए युवराज को खरीद कर मुंबई ने उनके फैंस का दिल जीत लिया। बता दें कि मुंबई ने युवराज को 1 करोड़ में खरीदा है। बता दें कि नीलामी से पहले मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम से 10 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिनमें दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर जेपी डुमिनी और बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। इसके अलावा टीम ने ऑक्शन से पहले 18 खिलाड़ियों को रिटेन किया था। मुंबई इंडियंस ने इस बार 18 खिलाड़ियों को रिटेन किया। इसमें कप्तान रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, ईशान किशन, आदित्य तरे, अनुकूल रॉय, सूर्य कुमार यादव, मयंक मार्कंडे, राहुल चाहर के नाम शामिल हैं। वहीं विदेशी खिलाड़ियों में ऑलराउंडर किरोन पोलार्ड, मिचेल मैकलेनाघन, एविन लुइस, बेन कटिंग, जेसन बेहरनडॉर्फ, सिद्धेश लॉर्ड, क्विंटन डिकॉक और एडम मिलने का नाम शामिल है। मुंबई इंडियंस से बाहर होने वाले खिलाड़ियों में सौरभ तिवारी, प्रदीप सांगवान, शरद लुम्बा, तजिंदर सिंह ढिलो, मोहसिन खान, एमडी निदेश, जेपी डुमिनी, पैट कमिंस, मुस्तफिजुर रहमान, अकेला धनंजय का नाम शामिल है।